क्या आपको पता है कि अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फिजिकल हार्ड कॉपी रखना जरूरी नहीं है? क्या आपको ये पता है कि ट्रैफिक कांस्टेबल आपसे फाइन नहीं ले सकता? जी हाँ, ऐसे कई अधिकार हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं यह वीडियो को, जहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं कि ट्रैफिक कानून से जुड़े क्या वो 13 अधिकार हैं जो आपको जागरूक करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोत और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देगा कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं हमारे कानून विथ रिस्पेक्ट टू दी ट्रैफिक लॉ, यानी अगर आपको कभी कोई ट्रैफिक पुलिस रोके तो आपको इन 13 अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। पहला अधिकार, हर ट्रैफिक पुलिस के पास एक चालान बुक होनी जरूरी है, या फिर अगर वो ई चालान करते हैं तो उनके पास वो सिस्टम होना चाहिए। अगर उनके पास चालान कॉपी नहीं है या फिर उनके पास ई चालान के कोई टेक्नोलॉजी या सिस्टम नहीं है तो वो आपसे किसी भी तरह का चालान नहीं काट सकते। दूसरा अधिकार, जब भी कभी आपको ट्रैफिक पुलिस रोके और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस की मांग करे तो आप उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस जरूर शो करिए, लेकिन अगर वो ये बोलें कि ड्राइविंग लाइसेंस आप हमें हाथ में दीजिए तो वो आपको देने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सेक्शन 130 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट साफ साफ ये कहती है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपको सिर्फ उनको शो करना है, ना कि उनको हैंड ओवर। तो अगली बार से दोस्तों, कभी भी ट्रैफिक पुलिस आपसे ड्राइविंग लाइसेंस अपने हाथ में मांगे तो आप उन्हें बिल्कुल मना कर सकते हैं। तीसरा अधिकार, जब भी ट्रैफिक पुलिस आपको रोके तो आप सबसे पहले चेक करें कि क्या वो ट्रैफिक पुलिस है या नहीं। अगर है तो क्या उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो रही है या नहीं। अगर उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं है तो आप उनको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट देने से या फाइन देने से बिल्कुल साफ मना कर सकते हैं। चौथा अधिकार, जब कभी भी अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस को वो सीज करते हैं, यानी वो अपने पास अपनी कस्टडी में आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, तो इसके बदले में वो आपको एक रिसिप्ट देंगे। अगर वो आपको रिसिप्ट ना दें तो आप उनको कभी भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस ना दें। पांचवा अधिकार, अक्सर आपने देखा होगा कि कभी भी ट्रैफिक पुलिस अगर आपकी जो गाड़ी है, चाहे कार हो चाहे टू व्हीलर हो, अगर वो गाड़ी अगर लाइन के बाहर खड़ी है तो वो आकर आपकी गाड़ी को उठा के ले जाते हैं। देखिए, ये तो वो उनको करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह से गाड़ी ले जाने से पहले वो उस गाड़ी के मालिक को ये समय देते हैं कि वो अपनी गाड़ी में से कोई ज़रूरी चीज़ अगर कुछ हो तो वो उसको निकाल ले। वो बिना उसको समय दिए इस तरह से गाड़ी उठा के नहीं ले जा सकते। छठा अधिकार दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार आज हमारा ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस की अब हमें फिजिकल हार्ड कॉपी रखना ज़रूरी नहीं है। आपने एक भारत सरकार की एक नई एप्लीकेशन को देखा होगा जिसे डिजी लॉकर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, डिजी लॉकर एक ऐसी ऐप है जहाँ पे आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या इसके अलावा कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप उस पर अपलोड कर सकते हैं, और आपको जब भी कोई ट्रैफिक पुलिस आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगे तो आप उस ऐप में जाकर उस अपनी ड्राइविंग लाइसेंस को शो कर दें। ये अपने आप में मोर देन इनफ होगा, वो आपसे ये डिमांड नहीं कर सकते कि आप हमें फिजिकल हार्ड कॉपी ला के दें। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी ऐप है, आप उसको डाउनलोड करिए ताकि आपको किसी भी तरह से फिजिकल हार्ड कॉपी अपने ड्राइविंग लाइसेंस की नहीं रखनी पड़े। सातवां अधिकार, अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक कांस्टेबल आते हैं और आपसे फाइन लेते हैं या कोई चालान काटते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रैफिक कांस्टेबल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो आपसे फाइन लें? सिर्फ और सिर्फ ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या SI यानी सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, यानी ASI, SI या उनसे ऊपर के रैंक के अधिकारी ही आपसे फाइन ले सकते हैं, कांस्टेबल आपसे फाइन नहीं ले सकते। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहचाने कि वो ASI है, SI या कांस्टेबल? तो दोस्तों, आप हमेशा उनके वहाँ देख सकते हैं, उनके यूनिफॉर्म पे स्टार लगे होते हैं। अगर एक स्टार है तो वो ASI है, दो स्टार है तो वो SI यानी सब इंस्पेक्टर है, और तीन स्टार है तो वो इंस्पेक्टर है, और इस तरीके से उन पर स्टार लगे होते हैं। यानी अगली बार से अगर आपको कोई रोके कांस्टेबल और उस पर स्टार ना लगे हों तो आपको उन्हें बिल्कुल भी फाइन देने की जरूरत नहीं है। आठवां अधिकार, आपने देखा होगा कि जब पुलिस आपको रोकने की कोशिश करती है तो अक्सर आपकी मोटरसाइकिल से आपकी चाबी निकाल लेते हैं या कार की आपकी जो कीज होती हैं वो ले जाती हैं। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी कि ऐसा करने का अधिकार उनके पास बिल्कुल नहीं है। आपकी वो गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकते और ना ही वो आपके ऐसे कार की चाबी को निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। नवा अधिकार, कई बार ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केसेस में पुलिस अरेस्ट तो कर लेती है, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर संबंधित या जो भी नज़दीकी मजिस्ट्रेट होता है वहाँ पे पेश करना जरूरी होता है। दसवां अधिकार,
अगर एक बार किसी ऑफेंस को लेकर फाइन हो गया है तो आप उसी ऑफेंस के चलते दूसरी बार आपसे ट्रैफिक पुलिस फाइन नहीं ले सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है और आप पे फाइन लगा है, तो उसी दिन अगर आप कहीं जा रहे हैं और अगर आपको ट्रैफिक पुलिस वापस रोकती है तो वो दूसरी बार आपको उस ऑफेंस के लिए फाइन नहीं ले सकती। 11वां अधिकार, अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक पुलिस आपसे किसी भी तरह से हैरेसमेंट कर रही है, आपको परेशान कर रही है, तो आपका हक है कि आप उनसे कंप्लेंट बुक लें, उसमें अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं और साथ ही साथ आप चाहें तो पुलिस कंट्रोल रूम में भी उसकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। 12वां अधिकार, हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पुलिस की गाइडलाइंस ये कहती है कि जब भी ट्रैफिक पुलिस आपको रोके तो वो उनकी ड्यूटी है कि आपको वो सर या मैडम कहकर संबोधित करे, यानी वो आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट दें। तो अगली बार आपको ऐसा लगे कि आप एक रिस्पेक्टेबल इंडियन सिटीजन हैं और आपको लगता है कि आप नियम और कानून को मानते हुए चल रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक पुलिस आपसे सही तरीके से बात नहीं कर रही है, तो आप उन्हें बिल्कुल कह सकते हैं कि आप मुझसे प्लीज़ एक सम्मानजनक तरीके से बात करें। 13वां अधिकार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस की अब आपको फिजिकल हार्ड कॉपी रखनी जरूरी नहीं है, आप अपने मोबाइल की ऐप में भी रख सकते हैं, परंतु वो डिजी लॉकर की ऐप ही होनी चाहिए। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस तो आपने रख लिया, पर RC, इंश्योरेंस की चालान पेपर, या अगर आपका कोई भी अन्य PUC सर्टिफिकेट हो गया, क्या ये रखना जरूरी है? जी बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो आप इनको अपने घर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अगर पुलिस मांगती है तो आपके पास 7 to 14 days का टाइम होता है पुलिस के सामने उसको रखने का। अगर आप नहीं रख पाते हैं तब जाके आपसे पुलिस उसका चालान काटती है, लेकिन आपको पुलिस इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर सकती कि आपको तुरंत अपने पास उन डॉक्यूमेंट्स को रखना होगा। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपके 13 अधिकार आपको जागरूक करेंगे, तो अगली बार जब भी अगर आपको ट्रैफिक पुलिस रोकें तो मुझे पूरी आशा है कि आप इन 13 अधिकारों से अवगत रहेंगे। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम एक अच्छे नागरिक की तरह जितना हो सके किसी भी ट्रैफिक नियम का वायोलेशन नहीं करना है, और हमें एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभानी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।